हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ आइरीन एंड यू आर वाचिंग इंडियन यूट्यूबर आइरीन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसे एक ही इंग्रेडिएंट से आप अपने हेयर को बना सकते हैं सिल्की, स्मूथ, स्ट्रेट एंड ग्लॉसी। मैंने भी आज अप्लाई किया है ये वन एंड ओनली सीक्रेट इंग्रेडिएंट और मेरा हेयर देखिए कितना सिल्की, स्मूथ और स्ट्रेट लग रहा है। देखिए मैं अपना हेयर दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखिए कितना शाइन कर रहा है, कितना ग्लॉसी इफेक्ट आया है। इसे मैं वीक में एक बार यूज करती हूँ। तो चलिए देखते हैं ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है क्या। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये एलोवेरा। ये है मेरा एलोवेरा का प्लांट जिसे मैं यूज करती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा 6 और 7 लीव्स काट लिया है क्योंकि मेरे लॉन्ग हेयर है और इस तरह से मैंने काट के रखा है क्योंकि इसके जो एक येलो कलर का आप लोगों को जेल दिख रहा है ये लैटिक्स है, ये हार्मफुल इफेक्ट देता है हमारे हेयर में या स्किन में, इसलिए इसे काट के थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे तो ये लैटिक्स निकल जाएगा। उसके बाद इसे मैं पील कर लूँगी कवर को और इसका जो अंदर का पल्प है एलोवेरा उसे मैं ले लूँगी अपने हेयर के लिए। ये देखिए ये लैटिक्स दिख रहा है। मैंने पूरे लीफ का जो ऊपर का कवर होता है वो मैंने पील कर लिया और अंदर का जो पल्प है एलोवेरा जेल वो मैंने ले लिया है और उसे ग्राइंड कर लिया है। एलोवेरा कंटेन्स 75 न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बेनिफिट योर हेयर। एलोवेरा में एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होता है जो रिपेयर करता है हमारे डेड स्किन को, डेड स्किन या सेल्स को जो हमारे स्कैल्प में होता है, और ये ग्रेट कंडीशनर भी है। मैंने पूरे हेयर पे लगा दिया है फ्रॉम स्कैल्प से लेकर पूरे हेयर के एंड तक और इस तरह से मैंने क्लिप लगा के रखा है। इसको मैं 1 घंटा रखूंगी, उसके बाद सिंपल आज फर्स्ट दिन मैं पहले वाटर से इसे धोऊंगी, सेकंड दिन इसे शैम्पू करूंगी तो इसका जो शाइन है वो रह जाता है, कंटेंट रहता है। देखिए मेरे हेयर मैंने आज सिर्फ वॉश किया है वाटर से, शैम्पू नहीं किया है, फिर भी कितना शाइन कर रहा है। देखिए सिल्की स्मूथ एंड ग्लॉसी इफेक्ट दिख रहा है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक दीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।